गुड मॉर्निंग मैडम. वेरी गुड मॉर्निंग. आइए बैठिए. मैडम मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ. तो प्रशांत जी कैसे आना हुआ आपका? मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे कहूँ, मुझे बहुत शर्म भी आ रही है. नहीं नहीं बताइए आप क्या प्रॉब्लम है. जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करेंगे? मैडम प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को अभी एक महीना ही हुआ है. जब मैं रात को अपनी वाइफ के पास जाता हूँ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता उसके साथ. ओके. उस वजह से मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज रहती है और चिड़चिड़ी भी रहती है. मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, ये तो समझ में आता है प्रशांत जी. लेकिन बिजनेस के साथ में अपने लाइफ पार्टनर को टाइम भी तो आपको देना चाहिए ना. जब तक आप उसे टाइम नहीं देंगे तो वो उसे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो खुश कैसे रहेगी, और वो खुश नहीं रहेगी तो आप कैसे खुश रहेंगे. आपको समझना चाहिए आपकी नई नई शादी हुई है. अरे बिजनेस तो पूरी लाइफ चलेगा, वो आपका फ्यूचर है, लेकिन ये भी तो आपका फ्यूचर है मिस्टर प्रशांत जी. अच्छा एक और बात बताइए, क्या आप नशा वगैरह करते हैं क्या? एक्चुअली मैडम ये नशे की लत मुझे कॉलेज टाइम से लगी थी. जब 12 पास आउट करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ का फ्रेंड सर्किल, वहाँ के दोस्त कुछ ऐसे मिले मुझे जिनके साथ मिलकर मैंने खूब स्मोक किया, खूब ड्रिंक किया, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय किया. वहाँ की लत अब तक भी चली आ रही है. वहाँ पहले पढ़ाई की टेंशन थी, अब यहाँ पर बिजनेस की टेंशन है. समझ सकती हूँ. अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपनी वाइफ के साथ में फिजिकल कर रहे होते हैं तो क्या आपको कमजोरी, थकान कुछ महसूस होती है? जी मैडम बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम सेक्स भी नहीं कर पाता हूँ. मेरी वाइफ बेहद खूबसूरत है और बहुत सुंदर है. वो चाहती है कि मैं रात में कई कई बार उसके साथ सेक्स करूँ, लेकिन मैडम एक तो बिजनेस की टेंशन, दूसरे शरीर भी साथ नहीं दे पाता है, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. देखो मिस्टर प्रशांत, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको नशा छोड़ना होगा, स्मोक छोड़ना होगा, सिगरेट, शराब, जो नशा आप कर रहे हैं. क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये नशा जो होता है, ये बंदे का जो शरीर होता है उसका जो इंटरनल ताकत होती है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है. वो किसी लायक उसे नहीं छोड़ती. और रही सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी आएगी. उसके बाद ये देखा जाए कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हैं. हाँ मैडम मुझे प्लीज़ ये भी बताइए कि अगर मैं स्मोकिंग, शराब, इस तरह के गंदी आदतें अगर छोड़ देता हूँ तो क्या मेरे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे मेरे स्टेमिना में और ज़्यादा अच्छा हो सके. बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने मिस्टर प्रशांत. क्योंकि जब आप ये सारा नशा छोड़ देंगे, सिगरेट, शराब, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो उससे एक तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा, और दूसरी बात जब अपनी वाइफ के पास आप फिजिकल रिलेशन बना रहे होंगे तो उस टाइम आपके दिमाग में कोई भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. आपका माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहिए, तभी आप उसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे, आप भी उसका मजा ले पाएंगे. और रही डाइट की बात, तो आपको इसमें देखिए हेल्दी फूड लेना चाहिए. बादाम ले सकते हैं, काजू, अगर वो चीज़ भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस टाइटल हैं तो ये चीज़ की तो प्रॉब्लम होगी नहीं. तो आप फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं. लेकिन हाँ, आप फ्रूट जूस ले रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें छोड़नी होगी नशे वाली. और हाँ एक बात खास कर ध्यान रखना कि आप जंक फूड तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आपके शरीर में ताकत नहीं, एक जहर है, जहर बनाता है आपके शरीर में, वो आपको ताकत नहीं देगा. जी मैडम. आपके शरीर में दिन पे दिन वीकनेस आएगी, और आप अपनी बीबी के साथ अगर फिजिकल नहीं करेंगे तो ना वो संतुष्ट होगी, ना वो चेंजेस हो पाएगी. हाँ एक और बात हो सकती है, हो सकता है कि आप जो प्यार की उसे तलाश और आप ना दे पाएँ, उसके रिलेशन कहीं और बने, वो गलत लोगों के संगत में आए, वहाँ उसके रिलेशन. क्योंकि कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, खुशी ढूंढती है. फिजिकल रिलेशन की शरीर की एक भूख होती है जिसे या तो उसका हस्बैंड पूरी करे, अगर वो भूख उसका हस्बैंड पूरी नहीं कर रहा है तो वो कहीं और तलाश करे. तो ध्यान रहे मिस्टर प्रशांत, इस बात का खास ध्यान रखें कि आप ये सारी चीज़ें जो आपने आज तक शौक पाल रखे हैं, आप उन्हें शौक कहते हैं लेकिन वो बीमारियां हैं, एक ऐसी बीमारियां कैंसर से भी भयंकर, क्योंकि जो आगे चल के लाइलाज हो जाएंगी. और हाँ एक और चीज़, आपकी गलती का भुगतान आपकी बीवी और आपको दोनों को ही करना पड़ेगा.
डॉक्टर साहिबा मुझे एक और चीज़ बताइए कि क्या इन शराब की लत का, सिगरेट की लत का, क्या मेरी मैरिड लाइफ पे ऐसा भी इफेक्ट पड़ सकता है कि मेरी वाइफ को कोई बच्चे ही ना हो? हाँ, मैं आपको यही बात बोलने वाली थी कि इसका इफेक्ट आप पर और आपकी वाइफ पर, बल्कि पूरी फैमिली पर पड़ेगा। आप पेरेंट्स का सुख कभी नहीं रोक पाएंगे, आप पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी में इतना इन्फेक्शन भर देगा, इतना जहर भर देगा कि आप किसी काबिल रहेंगे नहीं। जब आप अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल लाइफ नहीं जी पाएंगे तो पिता बनने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता ना मिस्टर प्रशांत जी। मैडम मुझे एक चीज़ और बताइए जी, पूछिए। जैसे कि इन चीज़ों की लत मुझे काफ़ी लंबे समय से है मेरी कॉलेज लाइफ से, तो क्या इन्हें छोड़ने के बाद क्या मेरी लाइफ पे, मेरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और अच्छे हो जाएंगे। और आप इन्हें, मैं तो कहूँगी आज से ही छोड़ दें, क्योंकि आप ये सिगरेट शराब आप ये इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर प्रशांत, आपने आपको बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे आगे चल के इन फ्यूचर में आपको बहुत बुरी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है मिस्टर प्रशांत। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप अपनी वाइफ के साथ में अपनी मैरिड लाइफ जिए, सेक्सुअल उसको प्यार दें, उसके साथ फिजिकल करें। और हाँ, एक और चीज़, आपने अभी कहा कि मैं वो चाहती है कि उनके साथ में 3-4 बार सेक्स करें। 3-4 बार सेक्स करने से कोई बुरी बात नहीं है या कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना आपके अंदर स्टेमिना तो हो कि आप उसे, हो सकता है कि आप उसे इतना प्यार करें कि काफ़ी टाइम तक फोर प्ले करें, उसके बाद आप सेक्स करें, उससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। हो सकता है एक ही बार में आप सेटिस्फाइड कर सकें, 3-4 की जरूरत ही ना पड़े, क्यों? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छी सलाह दी मुझे और मैं आपकी सलाह को जरूर मानूंगा। हाँ। और ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग आज से ही बंद कर दूंगा। हाँ, आज से, अभी से छोड़। बिल्कुल मैडम, ठीक, थैंक यू वेरी वेरी मच मैडम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।